नैब ने हमजा शहबाज के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। आमदन से जायद असासाजात केस में ठोस शवाहिद गवाहान और दस्तावेजात मौजूद हैं जिन्हें अदालत में पेश करेंगे। हमजा शहबाज की जमानत मुस्तरद हो चुकी, बेगुनाही का फैसला मुअज्जज अदालत ने करना है। नैब किसी दबाव धमकी और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा की परवाह किए बगैर अपना काम जारी रखेगी। ईद के बाद टार्जन की वापसी होगी, विकेट के दोनों तरफ खेलेगा, सरकार के लोग भी टारगेट हो सकते हैं। नैब अब टार्जन ना बना तो अहमियत खो देगा। नैब को मतलूब कागजात शहबाज शरीफ लंदन में भूल आए, अब लंदन जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। जिस दिन शुगर मिल्स की रिपोर्ट आई वजीर आजम एक्शन लेंगे, चौधरी हमारे भाई हैं कोई मसला नहीं होगा। वजीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दो तीन रोज में ट्रेन बहाली का मामला नजरसानी में ले जाने का ऐलान। महकमा हेल्थ ने कोरोना के मरीजों को क्लोरीन और हाइड्रोक्सी क्लोरीन क्वीन देने से रोक दिया। वायरस से मुतासर अफराद को स्टीराइड और एंटीबायोटिक की खास मकदार दी जा सकती है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की मरीजों के इलाज के लिए गाइडलाइंस जारी। और लॉकडाउन में नरमी, कार डीलर्स भी मैदान में आ गए। पीर से तमाम शोरूम्स खोलने का ऐलान, शोरूम्स के किराए और मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं दे सकते, हुकूमत SOPs के तहत कारोबार करने दे। चेयरमैन अंजुमन ताजरान कार डीलर्स मोहम्मद अदरीस चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दुकानें खोलने से मुतालिक ताजिरों का इबहाम दूर करने का मुतालबा।